नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ठाकुरगंज पुलिस ने 18 घंटे के अंदर एक युवक को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान पुलिस ने 18 घंटे के अंदर परिजनों को किया वापस। ठाकुरगंज पुलिस प्रशासन को दी बधाई। खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से है, जहां बीते 28 तारीख को मोहम्मद रफीक आलम के मोबाइल दुकान से शातिर चोर लैपटॉप लेकर हुए थे फरार। वहीं मोहम्मद रफीक आलम ने ठाकुरगंज थाना में लिखित आवेदन दिया था। ठाकुरगंज पुलिस प्रशासन के आवेदन के आलोक पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए महज 18 घंटे में लैपटॉप सहित एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं मोहम्मद रफीक आलम ने ठाकुरगंज पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने महज 18 घंटे के अंदर मेरा चोरी हुआ लैपटॉप को वापस कर दिया। मैं ठाकुरगंज पुलिस को दिल की गहराई से बधाई देता हूं। लैपटॉप बरामद किया और फिर चोर को जेल के सलाखों में भेजा। मैं आज 5 तारीख को लैपटॉप का सीजर लिस्ट का जो आदेश जो होता है वो आदेश कोर्ट से वकीलों के द्वारा उपलब्ध कराकर लाए और थाना में उसका जो रिकॉल दिए और रिकॉल देने के बाद और लैपटॉप हमें थाना वाला सही सलामत जैसे वहां से बरामद किए थे उस हिसाब से हमारे हाथ में सौंप दिए। ठाकुरगंज पुलिस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ठाकुरगंज पुलिस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर इस तरह ईमानदारी से काम हुई तो हमको लगता है कि पब्लिक का बहुत बड़ा उपकार होगा और क्राइम भी मिटेगा, क्राइम की कमी होगी। और हमको लगता है कि इस तरह का प्रयास करने से हमारे प्रशासन बहुत बड़ा कामयाब भी होंगे और पब्लिक के हित में बहुत बड़ा लाभ होंगे। और दूसरा बात मेरे तरफ से बहुत सारी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ बिहार के साथ।